देखिए आज एक इस वीडियो में एक बहुत एडवांस चीज बताने जा रहा हूँ राग भैरवी में। देखिए राग भैरवी एक लाइट क्लासिकल म्यूजिक का एक ऐसा राग है जो बहुत सारे गाने इस राग पर आधारित है। ठीक है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा नोट्स का यूज किया जाता है, यानी कि राग के स्वर तो लगेंगे लगे, जैसे मान चलिए राग भैरवी के स्वर है सा रे, जैसे इसमें यूज सा रे गा कोमल मा पा धा नी सा, यानी कि रे गा धा नी कोमल और बाकी सारे स्वर शुद्ध, जैसे मैंने तीसरी कालीस के रखा है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे गाने बजा के दिखाता हूँ जिनमें एक्स्ट्रा नोट्स लगे, यानी कि शुद्ध नी लग गया या शुद्ध गा यूज हो गया। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग घर बैठे हारमोनियम सीखना चाहते हैं या फिर घर बैठे आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अभी बिना किसी समय के हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक चीज देखी है कि राग भैरवी में अक्सर कुछ गानों में आपको शुद्ध गा का यूज भी मिलेगा और शुद्ध नी का भी यूज मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ गाने बजा के दिखाता हूँ। देखिए स्केल है तीसरी काली ठीक है, माइनर स्केल एफ शार्प माइनर। अभी यहाँ पे पहला गाना देखिए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, देखिए एक तो इसमें एक्स्ट्रा शुद्ध रे लग गया, शराबी ये दिल हो गया, तो देखिए ये कौन सा कोड लग गया, इसमें नी लग गया, दो नोट एक्स्ट्रा लग गए। ये राग भैरवी का गाना है। ठीक है अभी एक और गाना बजा के दिखाता हूँ। हमने तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ठीक है यहाँ तक ठीक है, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अभी देखिए इस गाने में भी शुद्ध नहीं कहा जा रहा, हजारों गाने में ऐसे आपको बजा के दिखा सकता हूँ कि जिनमें एक्स्ट्रा नोट्स यूज होते हैं। राग भैरवी एक ऐसा राग हो गया, राग शिवरंजनी एक ऐसा राग हो गया, उनमें भी एक्स्ट्रा नोट्स बहुत यूज होते हैं, राग पहाड़ी हो गया। ये तीन राग तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे, इनमें बहुत सारे गानों में बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स यूज होते हैं। ये नोट्स एक्स्ट्रा यूज हो सकते हैं क्योंकि लाइट क्लासिकल म्यूजिक में हमें फ्रीडम होती है कि गाने की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम एक दो एक्स्ट्रा नोट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाने का राग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान चलिए मेरी पहचान है, मेरी पहचान कैसे आप लोगों को हारमोनियम गुरु नाम से पता है कि मैं हारमोनियम गुरु, ठीक है, वैसे सेम एज इट इज हर एक गाने की भी एक पहचान एक राग से होती है। जैसे कि कोई गाना राग भैरवी के अंदर आता है, कोई दरबारी के अंदर आता है, तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर एक नोट एक्स्ट्रा लग गया तो उससे वो राग चेंज हो जाएगा, वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा नोट यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको हजारों गाने में आपको राग भैरवी के अंदर बजा के दिखा सकते हैं। जैसे एक और गाना है आप देख लीजिए, बाजीगर बाजीगर, इसमें भी देखिए बहुत अच्छा यूज हो रहा है, तो इसमें भी देखिए शुद्धनी का यूज हो रहा है। और एक और गाना बजा के दिखाता हूँ आपको, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, देखिए इसमें भी यूज हो रहा है। तो ये सारे गाने राग भैरवी के गाने हैं, तो अब देखिए इनमें कितना अच्छे तरीके से इस स्वरों को यूज किया है, यानी कि नी का बहुत यूज है, गा का बहुत यूज है। तो आप इन चीजों को शायद आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने ये चीज पहले फ्री समझी बजाते टाइम नोटिस करी कि नहीं करी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं कि राग भैरवी एक लाइट क्लासिकल का ऐसा राग है जिसमें हजारों गाने मिल जाएंगे, और इसकी खूबसूरती देखिए कि इसमें एक्स्ट्रा नोट्स को कैसे कितने अच्छे तरीके से यूज किया। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।